आरजेडी के वोट बैंक में कांग्रेस लगाएगी सेंध। कुशेश्वर स्थान के लिए रंजीत रंजन तो तारापुर के लिए चंदन यादव ऑब्जर्वर। बगा के दहावा सीएचसी में डॉक्टर की लापरवाही उजागर। जलन से तड़प रही बच्ची का नहीं किया इलाज, बिना इलाज वापस लौटाया। पटना सहित 19 जिलों में आज होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राजद से गठबंधन टूटने के बाद यादव समाज में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में यादव जाति का विशेष ध्यान रखा है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर इसी जाति से आने वाले 2 नेताओं का यह अहम जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद रंजीत रंजन को कुशेश्वर स्थान और विधानसभा सीट पर चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, तो वहीं चंदन यादव को तारापुर में पार्टी ने पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया है। चंदन यादव राहुल गांधी की टीम के कोर मेंबर माने जाते हैं और कांग्रेस के इस रणनीति के बाद जानकारों का ये मानना है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस अब लड़ाई के मूड में आती दिख रही है। पिछले दिनों बाढ़ के कारण अस्थावा बिंद सरमेरा रुहुई प्रखंड के कई पंचायतों में किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिसको लेकर अस्थावा विधानसभा के जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार किसानों का हाल चाल लेने पहुंचे। इस दौरान अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बिंद प्रखंड के अलीपुर दरियारपुर बरहोगा जमसारी ताजिनपुर और नौरंगा समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करके सरकार के पास भेजा जा रहा है और जल्द किसानों को उनकी फसल क्षति का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसानों को मुआवजा मिलेगा और जहां जहां खाड़ हुए हैं उनकी मरम्मती भी हुई है, लेकिन भविष्य में कोई इस ढंग का दोबारा बाढ़ से प्रभावित इलाका न हो, इसके लिए भी हम लोग भविष्य की योजना बना रहे हैं। आज अभी हम बिंद प्रखंड के अभी हम अलीपुर दरियापुर बरहोग जमसारी ताजनीपुर नौरंगा बकरा मकनपुर बिंद सहित पूरे बिंद प्रखंड का हमने आज दौरा किया है और लगभग हमने देखा है कि भारी मात्रा में फसल की बर्बादी हुई है। धान की जो फसल है क्षति हुई है। हमने भी अनुशंसा किया है, अधिकारियों को कहा है कि मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए। बेतिया के माताडीह में जन वितरण प्रणाली के डीलर के बेटे की हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि मृतक जब गोदाम में सो रहा था तभी हथियार अपराधियों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अपना बेटा खोज लगा है ना, तो सोचा सब दोस्त महीने जी सुतल होगा, तो जल देखें गेट बंद, तो पुलिस आदमी बोले कि इधर गाँव कहाँ पर है, कि घर पर होगा, तो घर पर गए तो बोला मम्मी पापा के तो गोदाम बहुत उन, तो गोदाम यहाँ देखें कि बाहर से गेट बंद है तो कैसे खोजेंगे, बोला कि बाहर से गेट बंद है तो उसको कैसे कहाँ खोजेंगे, तो बोला जो आदमी देखिए ना तो सोचे तो पंखा आवाज हन हन आ रहा, पूरा हन हन आवाज पंखा के, तो आदमी वहाँ खड़ा भी था बंद में गेट वहाँ से हल्का खोलते देखते घोलतर बस पीछे लट गया समय रखिए, फिर उसका मम्मी पापा के जा खबर कर दिया करके ऐसा बात भोजी है। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट गंगा किनारे से एक युवक का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले में जांच की मांग की है। अभिषेक कुमार नाम का लड़का है, पहाड़ी का रहने वाला है।
क्या आशंका लगाया जा रहा है सर? हम लोग सब जांच पड़ताल कर रहे हैं। परिजन के तरह से कहा जा रहा है कि हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सब विषय पर जांच। गोपालगंज के खुचराया कोर्ट के पास बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। वहीं पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर का रहने वाला बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी बिहार में करता था। तो बता दें आपको कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई कर 10 कार्टन शराब बरामद किया है और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। दरअसल एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ भी कर रही है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद हर दिन पुलिस को भारी मात्रा में शराब तस्करों को पकड़ रही है पुलिस, साथ ही साथ भारी मात्रा में शराब जो है वो भी पुलिस जब्त कर रही है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या प्रशासन का डर शराब तस्करों शराब माफियाओं के अंदर से खत्म हो गया है? और सरकार जिस तरीके से पूर्ण शराबबंदी की बात करती है, ऐसे में क्या सचमुच बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू हो रहा है या नहीं? सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के कदना बाजार में आपसी विवाद को लेकर पिता ने बेटे को धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसकी जानकारी होते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गरखा थाना क्षेत्र के रामपुर खाकी बाबा के टोली निवासी अजय राय के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अजय राय के बेटे अभिषेक कुमार से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। गरखा थाना अध्यक्ष ने बताया है कि आरोपी पिता जगदीश राय की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है और जल्द उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई। जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर दहशत फैलाने के लिए कई राउंड गोलियां चलाई। गोली की आवाज पर मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। दरअसल फायर गोली चलाने का आरोप ब्रिगेड के अफसर पर लगा है और आवेदन दिया गया है, जिसके बाद नगर थानेदार ओम प्रकाश ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि फायर अफसर संतोष पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। क्या है वो? क्या मामला हुआ था? कुछ होना नहीं, अपने पूजो कर रहे पाठ कर रहे हैं। नीचे मेरा पोता था, मेरा बच्चा है, यही पोता है, यही पोता था। बाल झा रहा था ड्रेसिंग में, ड्रेसिंग में उतनी सानी से तनखा सानी से बच गया। बघा के दहवा अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दहवा स्थित सीएचसी के इमरजेंसी बर्न केयर यूनिट में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाज के अभाव में 4 साल की बच्ची जलन और दर्द से तड़पती रही, लेकिन इनकी संवेदना तक डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाई। मामला खलवा पट्टी गांव का है, जहां 4 वर्षीय बच्ची सुमन कुमारी का पैर आग से जल गया था। इलाज के लिए परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराना चाहा, लेकिन मौके पर स्वास्थ्य कर्मी नदारद रहे। परिजनों के द्वारा अस्पताल में सभी जगह पर देखा गया, लेकिन मौके पर कोई नहीं मिला। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर आए, इमरजेंसी में दवा नहीं होने के कारण बिना इलाज वापस लौटा दिया। बच्ची जलन और दर्द से चीख पुकार करती रही। बच्ची की दर्द से चीख पुकार सुनकर बगल के लोग जुट गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की संवेदना नहीं जागी। पैर जड़ गए रहे, तो लड़की रोत रह गए, तो कहीं जाते कहीं सरकारी दवा ऐसी पर दवा हो जाई तो वहाँ के भेटेबो ना कलिए एक आदमी भेटेबो कैल तो कहता है बाबू हम पुर्जी लेकर दे तानी तहाँ मर्जी तहाँ दवा ले जा। तो हम नहीं जा उपी में रविंद्र नगर, तो जा दवा मिलवे ले के आनी जा, तब लड़की राहत भैल। ये बताई गरीब खातिर खुलल बस सरकारी हॉस्पिटल,
पैसा नहीं है तो एक मतलब ना रही तो पैसा कौड़ी आदमी कहीं जाके मर जा। औरंगाबाद के प्ले ऑफ सेफ्टी में बाल कैदियों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही जमकर तोड़फोड़ भी की। बता दें आपको कि पूरा मामला खाना मिलने में हुई देरी पर हुआ, जहां तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही सदर एसडीओ विजयंत और एसडीपीओ गौतम शरण उमी प्लेस ऑफ सेफ्टी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मामले को किसी तरह शांत कराया। वहीं बता दें आपको कि बाल कैदियों ने दर्जन भर से अधिक कुर्सियों और जनरेटर को तोड़ डाला, साथ ही बिजली मीटर को भी उन सबों ने नुकसान पहुंचाया। वहीं हंगामे और तोड़फोड़ की घटना में एक पुलिसकर्मी समेत दो लोग घायल भी हो गए। बिहार में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण सहित 19 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, इसी कारण से तापमान बढ़ने की आशंका जताई गई है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने इससे पहले प्रदेश में 16 और 17 अक्टूबर को तेज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। 16 अक्टूबर से राज्य के 38 जिलों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। जमशेदपुर में झामू नेता के घर के सामने आपको बता दें कि उनको गोली लग गई है, जिसके बाद ये पूरा मामला पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से मौके पर विधायक सरयू राय भी पहुंचे थे और इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दी। दरअसल भाजपा नेता के घर के सामने गोली चली थी, जिसके बाद से आसपास के लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए, पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर विधायक सरयू राय भी पहुंचे और पूरी घटना के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। दरअसल भाजपा नेता जो है उनके घर के सामने ये गोली चली और ये बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से, पुरानी ये रंजिश थी जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया है। मिली आधा घंटा पहले लोगों के साथ संगठन के मंडल के अध्यक्ष लोगों ने तो जब भी किया है, फायरिंग किया है, बड़ी गंभीर विषय था। वहाँ से आया स्थिति जानने के लिए, हमने कहीं कहा है कि भाई जो नौजवान हैं उत्तेजना नहीं पैदा करें मन में अपने, कानून व्यवस्था के जो चलाने वाले हैं उनको भरोसा है और FIR हो जाएगा, जो सही चीज़ होगी उसे कार्रवाई। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग जगनीर भवनपुरा से राजस्थान बेसरी में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। मरने वालों में 2 सगे भाई, 3 पड़ोसी थे। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। जगने से कुछ लोग वहां का आज दुर्गा प्रतिमा का मूर्ति विसर्जन के लिए गया था। राजस्थान में धौलपुर जनपद में थाना बसरी में पार्वती नदी पे मूर्ति विसर्जन के लिए गया था। वो उन लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे मूर्ति विसर्जन के समय वो वहाँ कुछ लोग नदी में डूब गया है, तो उससे पता चला 5 लोग वहाँ नदी में डूब गया था। बाद में थाना बसड़ी का धौलपुर पुलिस और आगरा का पुलिस मिलकर उनका सबका रेस्क्यू किया, उसका 5 लोग का निदान हो गया है। उनका सब 5 को पुलिस ने रिकवरी करके लेके आ गया और बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। आगरा में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गई। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि हादसे में कार जलकर खाक हो गया है और घटना न्यू आगरा के अबुलल्ला के पास सर्विस रोड की है। आगरा में घनी आबादी वाले इलाके में बीच तालाब में एक्सपायरी दवा फेंकी गई। वहीं शहर में डेंगू के वायरल बुखार के कारण स्थानीय लोगों में भय है। दर्जनों की संख्या में तालाब में एक्सपायरी दवा फेंकने जब मिली है, उसके बाद से लगातार लोग इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरा मामला आगरा के थाना फतेहाबाद के शिवाजी नगर का है।
आगरा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अब पुलिस कर्मियों भी जो है वो डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। मथुरा की रहने वाली महिला सिपाही प्रेमलता का डेंगू की वजह से निधन हो गया। करीब 3 दिन से बुखार से पीड़ित थी महिला सिपाही और आगरा के गोयल अस्पताल में महिला सिपाही ने दम तोड़ा। इससे पहले गुरुवार को सिपाही सोनू का डेंगू से निधन हुआ था। वहीं आगरा के थाना बाह में तैनात कांस्टेबल अनुराग और आशीष और महिला सिपाही तनुजा को भी डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया था। सिपाही आशीष और अनुराग और महिला सिपाही को बाह के CHC में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। DTV भारत अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेगा कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, मास्क लगाएं और सरकार के द्वारा जो भी जरूरी गाइडलाइन है उसको पूरा करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार।